अस्सलाम वालेकुम कमांडर वालेकुम साहब। अस्सलाम, तशरीफ रखिए। आपको याद ही कर रहे थे, अब आपकी मदद की और जरूरत है। कमांडर साहब, मुसलमान मुसलमान के लिए जान भी हाजिर कर सकता है। मुसलमान समझकर ही सही, हमारे तोपखाने के लिए कहीं से भी हो 2000 मन अनाज और चारे का इंतजाम और कीजिए, हम पेशगी भी दे देंगे। पेशगी तो मैं लेके हाजिर हुआ हूं आपके लिए। ये 1000 अशरफियां हैं, इनको कबूल फरमाइए और जिस लानत में आप फंसे हुए हैं उसे निकल लीजिए। फिर इसके बाद जितनी दौलत और जो भी मर्तबा आप चाहें आपके कदमों में होगा। किसकी तरफ से लाए हो? शहंशाह अब्दाली और नजीब खान की तरफ से। वो मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। मराठे गैर हैं, हिंदू हैं, उन्हें छोड़कर अपनों में मिल जाइए। तो गद्दार है, उस अब्दाली का मुखबिर है जो इस मुल्क को लूटने और कत्ल गारत करने आया है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान होकर उन गैर मुल्की मुसलमानों को अपना कहता है जिन्होंने दिल्ली में तुम्हारे मुसलमान बादशाह को खाक में मिलाया। चांदनी चौक में, सुनहरी मस्जिद में बैठकर लाखों मुसलमानों का सर कटवाया। मुगल जादियों और मुसलमान जादियों को ईरान और अफगानिस्तान के बाजार में एक एक टके के भाव बिकवाया। अगर तेरे घर में एक मुसलमान चोर घुसा है और वो तेरी बेटियों से जिना करना चाहे तो तू क्या करने देगा? इसलिए कि वो मुसलमान है, है? तू मराठों को गैर कहता है जो इस मुल्क में रहने वाले मुगल बादशाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाते हैं। तू उन्हें हिंदू कहता है जिन्होंने अपने अपने घरों की हिफाजत और अपने लश्कर की क़यादत मुझ मुसलमान को सौंपी है। वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। और जो इस जमीन पर रहते हुए इस जमीन का नहीं, उसके लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं। सिपाहियों, इसे ले जाओ और तोप से उड़ा दो। गांधी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गांधी साहब, मुझे मौत की सजा मत दीजिए। गांधी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ईमान खरीदने आया था। इन अशरफियों से तोप खाने के बैलों के लिए चारा खरीदा जाए। हमारे मुल्क में रहकर भी जो हमारे मुल्क का नहीं, ये खाक उसकी बोटियां कभी कबूल नहीं करेगी। पड़ी रहने दी जाए इस गद्दार की बोटियां यहीं, और कुत्तों और गिद्धों को खाने दी जाए।